पढ़ लो मेरे साथ बैठ के, काफी अच्छी अच्छी न्यूज आई है आज पेपर में। ये देखो, अरे बाप रे, ये देखो यहाँ पे लिखा है कि किसी ढिंचा पूजा के यूट्यूब चैनल से वीडियो डिलीट कई लोगों ने किया उसके गाने सुनकर सुसाइड। और ओ अमृतसरी माय गॉड, ये ऐसे ऐसे भी करते लोग सिर्फ गाने के लिए। मेरे को तो समझ में नहीं आता है, ये गाना गाती है क्या, करती के लिखा भी है कि अगर उसका गाना सुन लो ना तो खून से कान से खून निकलने लगता है। बेटा तू मत सुनना कभी। हो वैसे लगता तो इंटरेस्टिंग है, सुनना ओह पड़ेगा एक आध बार। काफी अच्छी न्यूज आई है आज, तू भी पढ़ ले बेटा बैठ के। नहीं पापा जी, मुझे नहीं पढ़ना, मेरे को तो मन ही नहीं हो रहा। पापा एक काम था आपसे, मैं बताऊं कि आपको। हाँ, बोल। चल इसको बंद करके रख देता, बहुत न्यूज पढ़ ली। हाँ बोल बेटा, तेरे क्या बोल रहा है तू, क्या चाहिए, कुछ चाहिए क्या? हाँ पापा, मुझे ना एक वो चाहिए, छोटा सा एक फिजिट स्पिनर, आजकल बाजारों में बहुत चल रहा है। इसके खरीदने के लिए लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं 10-10 हज़ार रुपए के। बहुत ही अच्छा फिजिट स्पिनर है, कहते हैं इससे पता है आपकी जो वो अंदर की स्ट्रेटेजी होती है, IQ लेवल होती है, वो बहुत बढ़ जाती है और दिमाग भी तेज चलने लगता है। क्या बोल रहा तूने, फिजिट स्पिनर? ये उसी को बोलते हैं ना जो ऐसे गोल 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 घुमाते हैं, हाँ उसी को बोलते हैं ना। बोल, अब क्या हुआ, तेरा मुंह बंद हो गया क्या? हाँ पापा, उसी को बोलते हैं। लेकिन आपको कैसे पता, आपको किसने बताया ये कि फिजिट स्पिनर वो गोल गोल घुमाने वाला होता है? तू क्या मुझे बेवकूफ समझ के रखा है कि मैं दुनिया में रहता हूँ ना, कहीं दुनिया पृथ्वी के बाहर चलने रहता हूँ? न्यूज छपती रहती है आजकल, उसके सुना है काफी। लेकिन उसका तू क्या करेगा, तू तो बहुत ही वैसे ही तेज है। हाँ पापा बोल रहे हैं मैं तेज हूँ, आज तक जितनी भी परसेंट मैंने बनाई है ना, सच बता रहा हूँ आपको, जितनी भी परसेंट मैंने बनाई ना, 70, 72, आज तक पापा बोलते थे तू कभी नहीं सुधरेगा। मैं बोलता था 90%, और आज और तू ना कहला 70%, और आज बोल रहे हैं तू तो बहुत होशियार है। देख रहे हैं पापा को, ऐसे होते हैं मेरे पापा, आप भी देखो, आपके पापा तो नहीं है ऐसे। तो चलिए आगे बात करते हैं, क्या बोलते हैं वो फिजिट स्पिनर की मम्मी से सारा लेता हूँ, मम्मी तो बात कर ही देगी। तो चलिए, ए देख क्या तू मन में बड़बड़ा रहा है, इधर बोलना सामने तेरे पप्पू। क्या मन में बड़बड़ा रहा है तू, इधर सामने देख, तेरे पप्पू बैठे हैं। तेरे को शर्म नहीं आ रही क्या, मन में बड़बड़ाने लगा, इधर बात कर ना। और तेरे को फिजिट स्पिनर चाहिए, फिजिट स्पिनर? हाँ शर्म नहीं आती तेरे को, उसमें 7-8 हज़ार रुपये खर्च करेगा। अगर उसी की जगह 1-2 हज़ार रुपये की किताबें ले लेगा तो पढ़ के अच्छा बन जाएगा, बाद में खूब खरीद लेना फिजिक स्पिनर, 20-20, 30-30 घर में ला कर रख लेना। हाँ अभी क्या करेगा तू? बाबा मेरे को फिजिक स्पिनर चाहिए। मम्मी सुनो ना, पापा मेरे को फिजिक स्पिनर खरीद के नहीं दे रहे, उनसे बोलो ना मेरे को खरीद के, ज्यादा महंगा भी नहीं आ रहा, 500-600 रुपये का नया खरीदवा दूंगा मेरे भैया की दुकान के पास से, वहां पे मिल रहा है। क्या हुआ बिट्टू के पापा, क्यों चिल्ला रहा है इतना? क्या हुआ, मारा क्या इसको? मारना नहीं उसको, और क्या वो चिल्ला रहा है, देखो ना वो क्यों चिल्ला रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, जाओ उसके पास। अब तुम क्यों चिल्ला रही हो महादेवी? अरे वो उसको मैं क्या बोला, वही मेरे पास खड़ा है और मांग रहा है फिजिट स्पिनर, इसको समझाओ। कुछ भी मांगता रहता है कभी भी, अभी तो उसको स्मार्टफोन खरीदवा के दिया था 20 हज़ार रुपए का, और अब बोल रहा है इस फिजिट स्पिनर खरीदवा के दो। क्या बोला है महादेवी, आपको भी कुछ नहीं करने की अक्ल है, और बेटे को सिखाते रहते हैं। और क्या उसको फिजिट स्पिनर मांग रहा है, मांग दे दीजिए ना, कभी कभी तो कुछ मांगता है और आप उसको वो भी नहीं देते हो। हाँ आप उसको देना, उसको खरीद के देना, चाहे भले 50 हज़ार रुपये का हो। वो एक तो बेटा है, उसकी भी मन की ख्वाहिश पूरी नहीं करते तो किसकी करोगे, अपने दुश्मनों की? हाँ और फिजिट स्पिनर होता क्या है? अरे कुछ नहीं देवी जी, आप भी अब उसकी साइड देने अमृतसरी लगी। आपको मैं तो ये बोल रहा था कि वो फिजिट स्पिनर होता है ना, वो जो गोल गोल घुमाते थे अपन लोग बचपन में, यूं घुमाते थे उंगली के ऊपर रख के जो थाली घुमाते थे, उसी तरह आपका आने लगा एक फिजिट स्पिनर। अरे वही चाहिए इसको, अपने लड़के को बिट्टू को।
आप दिलवा नहीं सकते हो, कैसे हो पता नहीं, आई ऐसे बोलती रहती हो, मैं कहाँ से दिलवा दूँ, पैसे ही नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं दिलवा देता हूँ इसको, एक मिनट, एक आइडिया है। यस पापा दिलवा रहे हैं। आइडिया? कैसा आइडिया? अब कौन सा इनके दिमाग में खिचड़ी पक रही है पता नहीं, जब भी इनका आइडिया आता है ना तो हमेशा देखिएगा आप मेरी बैंड बजती है, इस बार भी मेरी बजाने वाले हैं, देखते हैं क्या देते हैं आइडिया। एक मिनट रुक, तू तुझे मैं दिखाता हूँ, फिर फिजिट स्पिनर चाहिए ना तुझे, चल तुझे फिजिट स्पिनर दे देता हूँ, चल मैंने पहले ही ला के रखा है घर में, बहुत सारे फिजिट स्पिनर है, एक मिनट है। ये देख रहा है तू, ये क्या है पापा, ये थाली क्यों लेके आए आप यहाँ पे, थाली के यहाँ पे क्या काम था, आप यहाँ पे थाली लेके आए हो? अरे जी क्या पागल वागल हो गए हैं क्या, ये क्या लेके आएंगे, उसको फिजिट स्पिनर चाहिए, थाली नहीं, जाइए फिजिट स्पिनर लेके आइए बाजार से। अरे देवी एक मिनट रुकोगी कुछ, हाँ बस चिल्लाना शुरू, बेटी की बात आई नहीं कि बस मेरे पे चिल्लाना शुरू, वैसे तो अपने बेटे को देखो क्या कर रहा है, 10वीं में 10 बार फेल हुआ तब जाके एक बार पास हुआ, अभी 12वीं में है, और इसके बचपन के बच्चे देखो अभी इसके साथ पढ़ रहे, इसको शर्म नहीं आ रही, और तुम चिल्ला रही हो मेरे पे, देखो मैं फिजिट स्पिनर दिखाता हूँ, जैसे कि हम बचपन में करते थे ना यूं, ये देखो तुम्हारा देसी फिजिट स्पिनर, ये देखो ये है ना, देखो फिजिट स्पिनर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा टाइम पास है, जैसे वो फिजिट स्पिनर है वैसे ही है, इसको तो कुछ भी नहीं होगा, वो टूटेगा भी, इसको टूटेगा नहीं, जितनी तोड़ सको तोड़ देते हो, हाँ ये देखो कितना गिर गया, कोई टेंशन नहीं, फिजिट स्पिनर अच्छा है ना बेटा, पसंद आया ना तुमको।